इसराइल के खूनी हमले तेज होते जा रहे हैं और अब उसके टारगेट पर गाजा का वो इलाका है जो हमास का सबसे खतरनाक गढ़ माना जाता है। लेकिन इसराइल ने इस इलाके को भी रौंदना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे हो चले हैं कि 4 लाख की आबादी रातों रात गायब हो गई। यूनिस पर खूनी हवाई हमले, छह हफ्ते की जंग में गाजा पट्टी खून की पट्टी बन चुकी है। इसराइल की प्रचंड बमबारी और जमीनी हमले में उत्तरी गाजा की 90% आबादी दक्षिणी गाजा की तरफ भाग चुकी है। उत्तरी गाजा में 1.5 से 2 लाख लोग बचे हैं जो भयानक हमलों के बीच अब दक्षिणी गाजा की तरफ भाग नहीं पा रहे हैं। इजरायली सेना एक तरह से उत्तरी गाजा में जीत का ऐलान कर चुकी है और हमास के 10,000 से ज्यादा लड़ाकों का सफाया इजरायली सेना अब तक कर चुकी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में बनी युद्ध सरकार के आदेश पर इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में जबरदस्त मिसाइल और हवाई हमले कर रही है। इजरायली सेना का दावा है हमास के बहुत से लड़ाके और कमांडर फिलिस्तीनियों के साथ भागकर दक्षिणी गाजा में घुस गए। खास तौर से दक्षिणी गाजा में खान यूनुस शहर में सबसे ज्यादा हमास के लड़ाके और कमांडर मौजूद हैं। यही वजह है कि अब इजरायली सेना जमीन से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर दक्षिणी गाजा के खान यूनुस शहर पर हमला कर रही है। मुर्दों के साथ भागे हमास लड़ाके। इसराइल ने गाजा के दक्षिणी भाग स्थित खान यूनिस पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया है। इस हमले में 26 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने हमले से पहले गाजा स्थित खान यूनिस को खाली करने की चेतावनी दी थी। इजरायली सेना ने कहा था कि अगर इस शहर को खाली नहीं किया गया तो अंजाम बुरा होगा, जिसके बाद से इजरायली सेना ने फाइटर जेट और मिसाइलों से खान यूनिस पर हमला कर दिया। फिलिस्तीनियों का दावा है कि इजरायल के इस हमले में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई है। दावे के मुताबिक खुद को बचाने के लिए पूरा परिवार दक्षिण गाजा पहुंचा था। बताया जा रहा है कि मृतकों में कई बच्चे और नवजात शामिल हैं, जबकि इजरायल का दावा है कि खान यूनिस में हुआ हमला खुफिया इनपुट के आधार पर किया गया सटीक हमला है जिसमें कई हमास लड़ाके मारे गए हैं। हम आपको बता दें, दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस की आबादी 4 लाख है और अब इस शहर पर इजरायली सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं। במרתפים שמתחת לשיפה שומעים הערב היטב את רעם שרשראות הטנקים, את הדחפורים שנוגחים בשטח. הם שומעים מתחת לאדמה, שומעים ורועדים מפחד. צה"ל החל להשתמש גם בשיטות חדשות בימים אלה לטיפול במי שנמצא במנהרות וגם לחיסול של מנהרות. זה ילך וישתפר בימים הקרובים. כל כוחותינו עובדים על מנת למצוא פתרון. קבר में छिप गए हमास के कमांडर। दक्षिण से उत्तरी गाजा की तरफ 9 से 10 लाख लोग भाग चुके हैं। इजरायली सेना का दावा है कि अब तक 70 के करीब हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। दक्षिणी गाजा में इजरायली खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि उत्तरी गाजा से हजारों हमास लड़ाके फिलिस्तीनियों के वेश में भाग गए हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि एम्बुलेंस में रखे जनाजों के बीच हमास लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भागे हैं। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि हमास के कुछ कमांडर और लड़ाकों ने कब्रिस्तान में पनाह ले रखी है। इजरायली हमलों से बचने के लिए हमास के लड़ाके कब्रिस्तान में मुर्दों के साथ कब्र में लेटे हुए हैं। इधर IDF ने दावा किया है कि जब तक गाजा पट्टी से पूरी तरह से हमास के लड़ाकों का सफाया नहीं हो जाता है तब तक हमास पर हमले होते रहेंगे। दक्षिणी गाजा में इजरायल का आखिरी युद्ध।
मिडल ईस्ट और पश्चिम मीडिया की तरफ से जारी जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो गाजा के लिए साक्षात नरक साबित हो रहे हैं। 12,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। वेस्ट बैंक में हमास के कई कमांडर मारे जा चुके हैं। 50% से ज्यादा गाजा तबाह हो चुका है। 35,000 से ज्यादा इमारतें गाजा पट्टी में तबाह हो चुकी हैं। उत्तरी गाजा से 80% से ज्यादा लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग रहे हैं और अभी भी भागने का सिलसिला रोका रही है। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में इजरायली हमले पूरी तैयारी के साथ शुरू हुए हैं। קודם כל אני חוזר ואומר, שליטה ביטחונית כוללת, עם יכולת להיכנס מתי שרוצים, כדי לחסל מחבלים שיכולים לצוץ מחדש של צה"ל, של מדינת ישראל. עכשיו, זה, אני יכול להגיד לך מה לא יהיה. לא יהיה חמאס. קודם כל אני חוזר ואומר, שליטה ביטחונית כוללת, עם יכולת להיכנס מתי שרוצים, כדי לחסל מחבלים שיכולים לצוץ מחדש של צה"ל, של מדינת ישראל. עכשיו, זה, אני יכול להגיד לך מה לא יהיה. לא יהיה חמאס. हमास के लड़ाकों के बीच इजरायल के कुछ ऐसे एजेंट हैं जो हमास के कमांडर और लड़ाकों के हर हमले और हरकत की खुफिया जानकारी इजरायल की खुफिया एजेंसी और सेना को दे रहे हैं। जैसे ही सुरंग में छिपे हमास के लड़ाके और कमांडरों की जानकारी का सिग्नल हमास के बीच छिपे एजेंट इजरायली सेना को देते हैं, उसके बाद इजरायल तेजी से अपने हवाई और जमीनी कमांडरों को टारगेट की लोकेशन की जानकारी देता है, जिसके बाद सुरंग में मौजूद इजरायल के एजेंट एक सुरक्षित दूरी पर चले जाते हैं, जबकि हमास के कमांडर और बाकी लड़ाके इजरायल के हवाई और जमीनी हमले में बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमास के 5,000 से ज्यादा लड़ाकों को इसी तरह से खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायली सेना ने मार गिराया है। यहां तक कि 65 से ज्यादा हमास कमांडर इसी तरीके से इजरायल ने मार डाले हैं।